अजी सुनते हो? हाँ बोलो। आप कह रहे थे कहीं से बीमा के पैसे आने वाले हैं, आए नहीं क्या? हाँ वो पैसे ना आ चुके हैं, और मैं ना तुम्हें बताना भूल गया था, उन पैसों को मैंने ना अलमारी में रख दिया है। वैसे कितने पैसे आए हैं बीमा के? पूरे 10 लाख रुपए मिले थे वहां से। क्या 10 लाख रुपए? लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ठीक है फिर। देखा मेन साहब, आपने आपके पति के पास ना पूरे 10 लाख रुपए हैं, हम दोनों के पास ना यही सही मौका है आपके पति को हमारे रास्ते से हटाने का। और अब ना एक काम करते हैं, आपके पति को ना जल्दी से रास्ते से हटा देते हैं, फिर उसके बाद ना हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन सागर, इस टाइम मैं अपने पति को रास्ते से कैसे हटाऊं? अरे मैडम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास है ना जुगाड़। एक मिनट रुको, ये देखो जहर की शीशी, इसमें से कुछ बूंदे ना अपने पति को पानी में या फिर चाय में मिला के दे दो, आपका पति ना हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा। ये लो पकड़ो, अब देर मत करो। सागर तू है ना सही कह रहे हैं, जैसे तूने बोला है ना मैं वैसा ही करती हूँ। मेन साहब अब ज़्यादा देर मत करो, ये पानी जाके ना अपने पति को पिला दो। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब आएगा मज़ा, अभी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और साथ में मालकिन भी। ये लो पानी पी लो। अच्छा सुनो सोनाली, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम से ना बाहर जाना है, तो तुम ना एक काम करो, मेरे लिए ना जल्दी से लंच पैक कर दो। ठीक है मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना के पैक कर देती हूँ। आज का लंच तुम जब करोगे ना, जब तुम जिंदा बचोगे, आज का लंच तुम्हारे लिए आखिरी लंच होगा। अरे वाह, मालिक का तो काम तमाम हो गया, अब जल्दी से ना मेन साहब को खुशखबरी देता हूँ। मेन साहब! हाँ? जल्दी से इधर आओ। आती हूँ। हाँ सागर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मैडम, आपके पति का काम तो तमाम हो गया। अरे सागर ये क्या किया तुमने, तुमने मेरे पति को मार दिया। अरे मेन साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अकेले ने नहीं मारा इन्हें, हम दोनों ने मिलके मारा है। पागल हो गया क्या, मैं क्यों अपने पति को मारूंगी, तूने ही मेरे पति को मारा है। मैडम आप ये क्या बेवजह की बातें कर रहे हो, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुझे जेल में डलवाती हूँ। अरे मेन साहब आपको ये हो क्या गया है, आप पुलिस को क्यों फोन कर रही हो, आप तो मुझसे प्यार करती हो ना, और आप ही ने तो बोला था हम दोनों मिलके आपके पति को मार देते हैं, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे, और आपने बोला था कि शादी भी कर लेंगे, तो फिर ये सब क्या है? तुझे क्या लगा मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दूंगी? और मैंने तुझसे प्यार इसलिए किया था ताकि तू मेरे इस काम में मेरा साथ दे सके। अब तू है ना इस लाश को है ना ठिकाने पे लगा दे, वरना अगर किसी और ने देख लिया ना तो तू बच नहीं पाएगा। अब ना मैं सब समझ गया हूँ, आपने मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे धोखा दिया है, और तुमने अपने बेगुनाह पति की ना जान ली है, भगवान ना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे, इस लाश को है ना जल्दी से ठिकाने लगा दे। मुझे ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं है, अभी मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं मैं। अरे तुम जिंदा हो अभी तक, मुझे लगा इस सागर ने तुम्हें मार दिया। बस सोनाली ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि कौन मुझे मारना चाहता है और कौन नहीं। संदीप ये हमारा नौकर है ना, ये तुम्हें मारना चाहता था। देखा मालिक, मैंने जैसा आपसे कहा था वैसा ही हुआ ना। ये क्या बोल रहा है तू? अरे सागर क्या बोलेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। साहब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोल सागर, क्या बताना चाहता है? मालकिन ना आपको जान से मारना चाहती है। ये क्या बोल रहे तू, तेरा दिमाग तो ठीक है, वो मेरी बीवी है, वो मुझे जान से क्यों मारना चाहेगी? मालिक मैंने ना अपने कानों से सुना है मेन साहब को किसी से बात करते हुए, वो ना आपको जान से मारने की बात कर रही थी। वो मुझे जान से मारना चाहती है? सागर तू एक काम कर, जैसे जैसे मैं तुझे बोलता ना तू वैसा वैसा कर। हाँ बताइए साहब मुझे क्या करना होगा। संदीप
संदीप मुझे ना माफ कर दो, लालच में आके ना मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम थोड़े से पैसों के लालच में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो कि तुम अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई? तुम्हें खुद ध्यान होना चाहिए कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे अकेले की नहीं है, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। और ये जो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता हूँ मैं, वो तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ मैं। देखा मैं साहब, आपने मालिक आपसे कितना प्यार करते हैं और जो भी कुछ करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं, और आप मालिक को मारना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ मेरे को आपके बारे में सब कुछ पता लग गया और मैंने मालिक को सब कुछ बता दिया। संदीप मुझे ना अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ना दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो औरत पैसे के लालच में आके अंधी हो जाती ना, वो किसी के साथ नहीं रह पाती फिर। और शुक्र है भगवान का कि हमारे घर पे सागर था, इसने सही टाइम पे आके मुझे सब कुछ बता दिया और मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो पता नहीं मर ही जाता। और इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अभी के अभी ना मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ और पुलिस को बुलाता हूँ, और हाँ तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स भी देता हूँ और अपने घर से बाहर निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज़ संदीप पुलिस को मत बुलाओ, मैंने बोला तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, और तुम्हारी सही जगह ना जेल में है। अभी पुलिस को बुला ही रहा हूँ मैं।